Bismillahir Rahmanir rahim Assalamu Alaikum, students. Students, today we are going to solve question number 4 of exercise 2.6. First of all, we will solve part 1. So, solve by using synthetic division if in part 1, 2 is the root of the equation x cubed. माइनस ट्वेंटी एट एक्स प्लस फोर्टी एट इक्वल टू जीरो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस टू इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इक्वेशन जो गिवन है इसमें देन बाय सिंथेटिक डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन को यूज करेंगे हम देन बाय सिंथेटिक डिवीजन हम इसको कैसे लिखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखें टू इसका रूट है टू आपने यहाँ पे लिखना है ये वर्टिकल लाइन लगाएं फिर आपने क्या करना है हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं कॉफिशेंट्स लिखिए ये देखें एक्स क्यूब है इसका कॉफिशंट क्या है वन फिर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है आपने यहाँ पे लिखना है ज़ीरो फिर आप देखें कि एक्स वाली वैल्यू है माइनस ट्वेंटी एट देन आपके पास क्या आ जाएगा फोर्टी एट अब देखें ये जो फर्स्ट वैल्यू है वन ये एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे वन आ जाएगा अब टू को आपने वन से मल्टीप्लाई करना है टू वन जर टू लिखेंगे यहाँ पे ज़ीरो के नीचे इन दोनों को ऐड करें टू आएगा अब टू को टू से मल्टीप्लाई करें टू टू जार फोर माइनस ट्वेंटी एट के नीचे लिखेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस ट्वेंटी फोर नाउ स्टूडेंट्स आपने टू को माइनस ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करना है तो यू विल हैव माइनस फोर्टी एट आपको पता है जो एंड टर्म होती है ये आपका रिमाइंडर होता है बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो अब आपने लिखना है द डिप्रेस्ड नाउ द डिप्रेस्ड एक ये देखिए इसका कॉप्शन एक्स क्यूब था यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे एक्स स्क्र प्लस टू एक्स माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू ज़ीरो अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है इसके फैक्टर्स निकालने फैक्ट्राइजेशन करेंगे तो ये देखेंगे ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर है एक्स स्क्वा कॉप्शन वन है तो ट्वेंटी फोर हमने दो कोई से दो नंबर सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी फोर आ जाए और उनको प्लस या माइनस करें तो प्लस टू आ जाए तो उसके फैक्टर्स जो हैं वो बहुत आसान है एक्स स्क्र प्लस मैं यहाँ पे लिखूँगा सिक्स एक्स और सिक्स को अगर हम फोर से मल्टीप्लाई करें तो ट्वेंटी फोर आ जाएगा यानी प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ पर आप कॉमन लें एक्स एक एक कॉमन आएगा एक्स प्लस सिक्स आएगा यहाँ पर माइनस फोर कॉमन लें जब माइनस फोर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा ये माइनस कॉमन लेने से ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा प्लस हो जाएगा और फोर सिक्स ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस सिक्स इसको एक दफा लिखेंगे और एक आपके पास फैक्टर आएगा एक्स माइनस फोर जी ये आपके पास दो फैक्टर इसके आ गए फैक्टर्स आपने बना लिए एक्स प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो अब आप लिखेंगे आइदर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस सिक्स और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी इक्वल टू फोर अब आपके पास देखें एक वैल्यू ये पड़ी हुई एक्स की क्योंकि यहाँ पे ये गिवन था टू इज़ द रूट ऑफ द गिवन एक माइनस ट्वेंटी एट एक्स प्लस फोर्टी एट जीरो तो एक आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी आप लिखेंगे हैंस एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू टू कॉमा एक वैल्यू ये माइनस सिक्स है और एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी फोर तो ये स्टूडेंट्स पार्ट वन का आंसर है जिसमें हमने इसको सॉल्व किया है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन स्टूडेंट पार्ट टू देखें इसमें हमने इसको भी सॉल्व करना है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़

क्या है टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो फिर हम लिखेंगे देन बाय यूजिंग संथेटिक डिवीजन हम सेंथेटिक डिवीजन को यूज करेंगे यहां पे देखेंगे थ्री का रूट है यहाँ पे आपने क्या लिखना है थ्री वर्टिकल लाइन लगाइए उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है स्टूडेंट्स आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई अब आपने कॉपिशन लिखने हैं देखें एक्स क्यू का कॉपिशन क्या है टू आप यहाँ पे टू लिखेंगे देन आप लिखेंगे एक्स स्क्वायेर का है माइनस थ्री यहाँ पे माइनस थ्री आएगा देन एक्स का कॉफिशेंट माइनस इलेवन है यहाँ पे माइनस इलेवन आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू सिक्स आएगी अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू है ये इट इज आती है टू एज इज आगे आ जाएगा नाउ थर्ट थ्री मल्टीप्लाई बाई टू इज सिक्स सिक्स आपने यहाँ पर लिखना है इन दोनों को सॉल्व करें तो ये माइनस थ्री प्लस सिक्स क्या आएगा इसका आंसर आएगा प्लस थ्री नाओ थ्री थ्री इज नाइन नाइन आपने इसके नीचे लिखना है इन दोनों को सॉल्व करें आंसर आएगा माइनस टू थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें सो so यहां पे आ जाएगा माइनस सिक्स रिमाइंडर इन दोनों का क्या आएगा जीरो अब यहां पे आपने लिखना है नाउ द डिप्रेस्ड इक्वेशन द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज ये इक्वेशन बनेगी टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो अगेन आपने यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं एक्स स्क्र का कॉम्फिशन क्या है टू है, है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू माइनस टू है टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा माइनस फोर अब आपने कोई से दो नंबर को सोचना हैं उनको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करें माइनस फोर आए आए और उनको ऐड और सब्टैक्ट करें तो प्लस थ्री आए तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये देखें टू एक्सक्वेयर आएगा प्लस अगर फोर को वन से मल्टीप्लाई करें यानी प्लस फोर एक्स और माइनस एक्स लिखें तो ये आपके पास जो है इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए मिडिल टर्म आ जाएगी प्लस थ्री एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फोर और माइनस वन को तो माइनस फोर आएगा ये लास्ट में माइनस टू लिखें इक्वल टू ज़ीरो इन दोनों में टू एक्स कॉमन है इधर आ जाएगा एक्स प्लस टू माइनस इन दोनों में माइनस वन कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो ये देखिए एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू कॉमन फैक्टर है यहां पे हम पहले कॉमन फैक्टर लिखेंगे एक्स प्लस टू इन टू दूसरा फैक्टर बनेगा टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो यहां पे अब हम लिखेंगे आइदर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो होगा और टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो यहाँ पे और लिखें यहां पे स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और यहाँ पे क्या आएगी पहले टू एक्स इक्वल टू ये माइनस वन उधर जाएगा वन हो जाएगा प्लस वन टू से डिवाइड कर दें इधर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन ओ टू तो ये देखिए आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स की वैल्यू माइनस टू और एक्स की वैल्यू वन बाई बै टू तो यहाँ पे हम लिखेंगे हस जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो आपके पास एक वैल्यू ये भी है क्योंकि थ्री अ रूट है तो पहले हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू थ्री कॉमा फिर लिखेंगे माइनस टू और उसके बाद लिखेंगे वन बाई टू तो स्टूडेंट्स ये आपका आपके पास जो है वो पार्ट टू का आंसर है आपने इस गिवन इक्वेशन को जिसका रूट थ्री गिवन था सिंथेटिक डिवीजन से आपने उसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद ये आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स पार्ट थ्री देखें इसमें हमने इसको सॉल्व करना है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ माइनस वन इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस माइनस वन इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन आपके पास ये है मौजूद है फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस एलेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो जीरोन हम लिखेंगे देन बायथेटिक डिवीजन वी गेट यहां पे आप देखिए आपके पास रूट है माइनस वन माइनस वन को आपने यहां पे लिखना है वर्टिकल लाइन लगाइए उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है देन आपने जो एक बेन कोई है ना उसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स फोर देन माइनस वन देन माइनस इलेवन और यहाँ पे आएगा माइनस सिक्स स्टूडेंट्स आपको पता है कि फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो एज इट इज आती है यहाँ पे फोर एज इट इज़ आ जाएगा अब माइनस वन को फोर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा यू विल हैव माइनस फोर इन दोनों को ऐड करें ऐड करने पे आएगा माइनस फाइव नाउ मल्टीप्लाई माइनस वन विद माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस वन इंटू फाइव इज़ फाइव माइनस इलेवन और प्लस फाइव को सॉल्व करें तो आपके पास आएगा माइनस सिक्स माइनस वन को माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस होगा और वन इंटू सिक्स इज सिक्स तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों का सम जो है वो जीरो आएगा अब हम लिखेंगे द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज नाउ द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज यहाँ पे देखिए आएगा फोर एक्स स्क् माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज एक टू जीरो इधर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं फोर को आपने सिक्स से मल्टीप्लाई करना है फोर को सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा ट्वेंटी फोर आएगा और आपने कोई से दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस ट्वेंटी फोर आए उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस फाइव एक्स आए तो आप इस तरह से लिखेंगे फोर एक्स स्क् माइनस एट एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये वो जो दो नंबर है माइनस एट और प्लस थ्री जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस ट्वेंटी फोर आ जाता है और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपका से मिडल टर्म आ जाती है देन आपने क्या करना है अब इनको आपने कॉमन लेना है इन इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा फोर एक्स आएगा इधर आ जाएगा एक्स माइनस टू और यहाँ पे आपने थ्री कॉमन लेना है थ्री कॉमन लेंगे इधर आएगा एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू कॉमन फैक्टर है ये आप इस तरह से लिखेंगे और आपके पास दूसरा कॉमन फैक्टर आएगा ये फैक्टर आएगा फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो नाउ स्टूडेंट साहब आपने यहाँ पर क्या करना है एक आपके पास वैल्यू जो है वो आपके आप लिखेंगे आइधर एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो और फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस एम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी ये माइनस टू से जाके जीरो प्लस टू टू होगा और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे फोर एक्स लिखेंगे इक्वल टू माइनस थ्री करेंगे फोर से डिवाइड कर देंगे एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस थ्री ओवर फोर अब आप देखें एक आपके पास जो है ये वैल्यू है एक्स की माइनस वन उसका रूट है ये भी उसकी वैल्यू होगी तो आप लिखेंगे हैंस एक्स की वैल्यू जो है कौन कौन सी है एक माइनस वन है एक आपके पास टू है और एक आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री बाय फोर स्टूडेंट्स ये इसका जो है क्या है ये इसका आंसर है पार्ट थ्री का जिसमें हमने एक्स की वैल्यू जो है कौन कौन से निकाली है एक्स की वैल्यू माइनस वन निकाली है एक्स की वैल्यू जो है वो टू निकाली है माइनस वन जो है वो गिवन थी एक्स की वैल्यू टू निकाली है और एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बाय फोर निकाली है तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चन नंबर फोर के थ्री पार्ट्स किए हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से इसके तीनों पार्ट समझ आए होंगे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़